गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फ्राइडे है तो आज हम लोग लैंग्वेज व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी में, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा भाषा बोली लिपि और व्याकरण, यानी कि आपका जो हम भाषा जो कि हम बोलते हैं, एक दूसरे से अपने भावों को प्रकट करते हैं, गुस्सा है, भूख है, रोना है, किसी से प्रेम है, किसी से नॉर्मल वार्तालाप है, या किसी भी तरह का कुछ भी बात करनी है तो हम भाषा के ही ज़रिए बात करते हैं। अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मन की इच्छाओं को हम भाषा के जरिए दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो ये हमारे, और ये जो है पहले के समय में जो लोग जब आदि मानव थे तब उनको भाषा यानी कि बोलना नहीं आता था, उनको भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कुछ संकेत बनाए थे, संकेतों के ज़रिए अपनी बात को एक दूसरे तक वो पहुंचाते थे कि हम अपनी बात कैसे एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आदि मानव ने स्टार्ट किया था, जो अपनी किसी एक संकेत के ज़रिए, अगर भूख लगी है तो वो कौन सा संकेत होगा, उन्हें आपस में लड़ाई करनी है तो वो कैसे संकेत करेंगे, उसके उन्होंने अपने अपने अलग अलग संकेत बना रखे थे, एक चिन्ह बना रखे थे। तो उसको उन्होंने धीरे धीरे करके, जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहले मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था, कच्चा मांस खाता था, जंगलों में रहता था, तो अब जब धीरे धीरे मनुष्य ने रहना, यानी कि एक घर तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, एक गुफा में रहना, एक फैमिली के साथ रहना, पहले लोग अलग अलग अकेले अकेले रहते थे, उसके बाद उन्होंने एक झुंड में रहना शुरू किया, एक साथ आकर कि दो चार लोग पांच लोग एक साथ रह रहे हैं। तो उन्होंने अपने विचारों को उसके बाद फिर उन्होंने खाना पीना, जो कच्चा मांस खाते थे, फूल खाते थे, फल खाते थे, ये सब चीज़ें कच्ची खा लेते थे, ना उसको पकाने था ना कुछ नहीं, सीधा उठाया और खा लिया। तो उन्होंने धीरे धीरे आग जलाना सीखा, आग जलाने के बाद उसको पकाना सीखा, पकाने के बाद अब जो हम लोग आज की तारीख में जो हम लोग हैं, वो एक कहना चाहिए हमारा पूरा मनुष्य का एक डेवलप एक स्वरूप है, जो हम लोग अपनी बातों को, यदि हमें अपने हंसी, अपने दुख, अपने दर्द, अपने तकलीफ़ को किसी को भी प्रकट करना है तो हम भाषा के ज़रिए बहुत आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अब मैं इसको, इतना जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसी में आपको ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जो आपकी पुस्तक में लिखा है, जब आप लोग बुक मिलेगी तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। भाषा के प्रारंभिक दौर को देखें तो पता चलता है कि आदि मानव संकेतों और अलग अलग ध्वनियों से अपने विचारों भावों और का आदान प्रदान करते थे। लिखित रूप बहुत बाद में विकसित हुआ, यानी कि जो हम लोग भाषा लिख के या तो बताते हैं या हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो भाषा का रूप है ये बहुत बाद में विकसित हुआ है। आधुनिक परिदृश्य में जो लोग बोल सुन नहीं सकते थे, नहीं सुन सकते, हाथों ब्रैकेट में दिया है इसको देखिएगा, हाथ के संकेतों से वार्तालाप करना, छोटे बच्चे भूख लगने पर रोना, अथवा सब सुशिक्षित लोग प्रशंसा में ताली बजाना, हाथ हिलाकर जाने का संकेत दे करना, विद्यालय में छुट्टी की सूचना के लिए घंटी बजाना, सभी विभिन्न संकेतों से अपने मनोभावों और जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से सभी भावों को समझना और समझाना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनी। यानी कि हमारे जो भी संकेत हैं उनसे हर भाव को, अपने मन के भावों को किसी के भी सामने प्रकट करना आसान काम नहीं था, इसलिए इस भाषा का जो है विकसित हुई है, इसको समझना और इसको बनाया गया।
आज मैंने इतना आपको इंट्रोडक्शन कहूँ या इस पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया है, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। सो थैंक यू। क्लास।